नमस्कार, न्यूज 18 स्पेशल देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं संतोष कंगवार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। जहानाबाद से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। बराबर हादसे पर बड़ी कार्रवाई हुई है। बराबर थाना अध्यक्ष शैलेंद्र कुमार शाह समेत 11 पुलिस वालों को निलंबित कर दिया गया है। एसडीएम आपदा की जांच रिपोर्ट के बाद यह कार्रवाई की गई। 48 लोगों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। जिला आपूर्ति पदाधिकारी और सहकारिता प्रसार पदाधिकारी पर कार्रवाई के लिए विभाग को पत्र लिखा गया है। सिविल सर्जन और 2 चिकित्सकों पर आरोप पत्र गठित किए गए। 12 अगस्त को बाबा सिद्धनाथ मंदिर में भगदड़ मची थी। हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई थी। अब इस पूरे मामले में कार्रवाई की गई है। सिविल सर्जन पर आरोप पत्र गठित किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे, 12 अगस्त को मंदिर में भगदड़ मची थी जिसमें कई लोगों की मौत हो गई थी। हादसे में 7 लोगों की मौत की पुष्टि हुई थी। कई लोगों के घायल होने की भी खबर थी। तो बड़ी खबर जहानाबाद से बता रहे हैं आपको, जहां पर बराबर थाना अध्यक्ष निलंबित कर दिए गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे, 11 पुलिसकर्मी सस्पेंड कर दिए गए हैं। एसडीएम आपदा की रिपोर्ट जांच के बाद यह कार्रवाई की गई है। और कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप मर्डर के विरोध में देशभर में डॉक्टरों का विरोध प्रदर्शन जारी है। इंसाफ की मांग को लेकर सड़कों पर संग्राम दिख रहा है। डॉक्टरों की हड़ताल से मरीजों को परेशानी का सामना भी करना पड़ रहा है। कोलकाता के अस्पताल में हुई दरिंदगी के बारे में जिस किसी ने सुना उसकी रूह कांप गई, पांव के नीचे से जमीन खिसक गई, आंखें नम हो गई। रात के अंधेरे में अस्पताल की छत के नीचे इस हैवान ने इंसानियत की सारी हदों को पार कर दिया। हैवानियत की उस तस्वीर को जिंदा कर दिया जिसने सालों पहले देश भर में आक्रोश की आंधी ला दी थी। एक बेटी की अस्मत को पांव तले रौंदने वाले हरेक मुजरिम को सलाखों तक पहुंचाने के लिए ममता सरकार हो या फिर सीबीआई, दोनों ने कसम खाली है। जांच जारी है। मुख्य आरोपी संजय रॉय की निशानदेही पर सीबीआई हर दिन उन कसूरवारों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है जो उस रात उस हैवान के साथी थे। सीबीआई सूत्रों के मुताबिक आरोपी संजय रॉय गुरुवार रात 11 बजे अस्पताल आया। करीब 30 मिनट अस्पताल में रुकने के बाद लौट गया। देर रात 3:45 पर आरोपी संजय दोबारा अस्पताल आया। सीसीटीवी में संजय सेमिनार हॉल के अंदर जाता दिखाई दिया। करीब 35 मिनट तक आरोपी संजय सेमिनार हॉल में रहा, यानी संजय रॉय का मकसद तय था। तभी एक बार अस्पताल आने के बाद वो दोबारा अस्पताल पहुंचा, भूखे भेड़िए की तरह उस बेटी पर झपटा, उसकी इज्जत को पांव तले रौंदा, फिर भी दिल नहीं भरा तो उसे मौत के घाट उतार दिया और वहां से फरार हो गया। सीबीआई की जांच रिपोर्ट की माने तो वारदात की रात पीड़िता और उसके दोस्तों ने रात 12 बजे खाना ऑर्डर किया था। ऑनलाइन ऐप के जरिए खाना मंगाया गया था। मामले में कोलकाता पुलिस ने खाना लाने वाले शख्स का बयान दर्ज किया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता चला है कि खाना खाने के करीब 4 घंटे बाद पीड़िता की मौत हुई। सीबीआई ने पीड़िता के साथ मौजूद सभी लोगों के बयान दर्ज किए हैं। इस दरिंदगी के बाद पूरे देशवासियों का खून खौल रहा है। हर कोई दोषियों को फांसी के फंदे पर लटका देखना चाहता है। वहीं इस बीच आरोपी के परिवार का बयान सामने आया है। परिवार क्या कह रहा है वो भी सुनिए। ये तो इस तरह से किसी लड़की का, हम खुद लड़की हैं सबसे बड़ा बात, तो मुझे समझ आ रहा है एक लड़की का संग ऐसा, तो पहला बात दुनिया का कोई लड़का कोई भी कभी नहीं करना चाहिए। बहुत गलत हुआ, अगर गलत किया है वो तो गलती किया है, अगर किया है तो जो सजा सरकार दे, आईन दे, जो सजा दे मुझे मंजूर है। परिवार का कहना है कि जांच जारी है, वक्त पर सच सबके सामने होगा। लेकिन इन पिछले 8 दिनों में देश के हर कोने से उस बेटी के लिए इंसाफ की मांग उठ रही है। दरिंदगी भरे इस कांड के बाद ममता सरकार पर भी सवाल उठने लगे हैं। जस्टिस देने के बदले तृणमूल कांग्रेस की सरकार का एजेंडा बन चुका है कि न्याय मत दिलाओ, बेटी को मत बचाओ, केवल और केवल बलात्कारी बचाओ।
अस्पताल के 40 से ज्यादा डॉक्टरों का तबादला कर दिया गया है। प्रिंसिपल से लेकर डॉक्टरों तक पूछताछ जारी है। हर सबूत को सीढ़ी बनाया जा रहा है और हर दोषी को सलाखों के पीछे लाने की कोशिश। कोलकाता में महिला डॉक्टर से दरिंदगी और मर्डर के खिलाफ बिहार के भी सभी सरकारी अस्पतालों में कामकाज ठप है, जिससे मरीजों को काफी परेशानी हो रही। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने वारदात पर दुख जताते हुए डॉक्टरों से इमरजेंसी सेवा बहाल करने की अपील की है। कोलकाता में महिला डॉक्टर के साथ हुई हैवानियत की घटना पर डॉक्टरों का गुस्सा उबल रहा है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन यानी IMA ने आज देश भर में 24 घंटे के लिए डॉक्टरों की हड़ताल का ऐलान किया है। सुबह 6 बजे से ही हड़ताल जारी है। हड़ताल में मेडिकल सेवाएं बंद हैं, OPD भी नहीं खुली है, जिससे मरीजों की परेशानी बढ़ गई है। बात दरभंगा की हो, भागलपुर की हो, पूर्णिया या फिर गया और राजधानी पटना, तमाम जिलों और शहरों में पश्चिम बंगाल में महिला डॉक्टर से हुई हैवानियत की वारदात के खिलाफ गुस्सा है। डॉक्टर्स की मांग है कि उनके लिए सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट लागू हो, सरकार क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट लागू करे, स्वास्थ्य कर्मियों पर हिंसा रोकने के लिए बने केंद्रीय कानून बने, 25 राज्य में डॉक्टर और अस्पताल पर हमले के खिलाफ कानून है, पर जमीनी रूप से कानून अप्रभावी दिखते हैं। कानून में खामी की वजह से आरोपियों में डर नहीं दिखता। पटना एम्स में पिछले कई दिनों से OPD सेवा बाधित है, ऐसे में मरीज भगवान भरोसे हैं। एम्स में इलाज कराने के लिए मरीज बिहार के हर जिले से आते हैं। इलाज के अभाव में मरीज परेशान दिख रहे हैं। नस की बीमारी है गर्दन में। हाँ। तो नंबर नहीं लगा ना? आ जाएंगे। हाँ। क्या बोला जा रहा है, कब तक नंबर लगेगा? वो कल की 14 तारीख से लग रहे हैं ना, अब कहिया खुलते वो कोई पता नहीं ना। मतलब 14 से बंद है तो अब आप वापस लौट जाएंगे? हाँ। पूरे सामान के साथ है? हाँ, देखने चाहिए जो बंद करवाइने छथिन, जो नहीं घुसैल नहीं दे छथिन। ये तस्वीर बिहार के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल पटना के PMCH का है, जहाँ डॉक्टरों ने जोरदार प्रदर्शन करते हुए मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की मांग सरकार से की। ये बहुत ही दुखद घटना है और इसकी जितनी भी निंदा भर्सना की जाए उतनी कम है। वहाँ की जो सरकार है वो इस चीज में जांच करने के बजाय खुद प्रोटेस्ट में चली जाती हैं। वो किसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रही हैं, किसको बचा रही हैं? डॉक्टर मांग कर रहे हैं कि केस की उचित जांच हो और स्पीडी ट्रायल से दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले। पश्चिम बंगाल में घटना हुई है, ये बहुत ही दुखद है और ये कोई पहली घटना नहीं हुई है। पिछले कुछ वर्षों में देखेंगे तो ये एक श्रृंखला सा है पश्चिम बंगाल के अंदर, जब महिलाओं के इज्जत आबरू के साथ ऐसा होता है और महिलाओं के मान सम्मान और प्रतिष्ठा पश्चिम बंगाल के अंदर सुरक्षित नहीं रह गई है। ये आम महिला आज महसूस करती है और भारतीय जनता पार्टी लगातार ममता बनर्जी की सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ती रही है। प्रदेश भर के डॉक्टर लगातार कार्य बहिष्कार कर रहे हैं, तो प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने पश्चिम बंगाल की घटना को दुखद बताते हुए कहा कि डॉक्टर से इमरजेंसी सेवा बहाल रखने की अपील की। उम्मीद है आक्रोशित डॉक्टर जल्द अस्पताल में अपनी ड्यूटी बहाल करेंगे और मरीजों को हो रही परेशानी से निजात मिल पाएगा। News 18 के लिए पटना से विनीता मिश्रा और धर्मेंद्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप मर्डर के विरोध में देश भर में डॉक्टरों का विरोध प्रदर्शन जारी है। पटना में डॉक्टरों ने कैंडल मार्च निकालकर विरोध जताया। डॉक्टरों ने आरोपियों को स्पीडी ट्रायल चलाकर कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की मांग की। घटना के बाद पूरे देश में जबरदस्त सवाल है, लोगों में जबरदस्त नाराजगी देखी जा रही है, खासकर चिकित्सकों में जबरदस्त नाराजगी दिखी रही है। और इस वक्त तो तस्वीर दिखा रहे हैं पटना के सड़कों की, जहां पे डॉक्टर सड़क पर उतर गए हैं और जस्टिस फॉर अभय
अनबाउंड जस्टिस के नारे लगा रहे हैं और लगातार ऐसे नाराज डॉक्टर देश के तमाम राज्यों में सड़कों पर अपना विरोध प्रकट कर रहे हैं। इस वक्त देखिए पटना में डॉक्टर सड़कों पर जबरदस्त नाराजगी जाहिर कर रहे हैं और जस्टिस के नारे लगा रहे हैं कि जस्टिस चाहिए, जिस दुर्घटना के साथ जो घटना घटी है उसके लिए जस्टिस चाहिए। और ये तस्वीर है, क्या कहेंगे सर, पूरी घटना घटी, क्या कहेंगे, क्या डिमांड आप लोगों का? हमारा उपयोग है कि पीड़िता को न्याय मिलना चाहिए और जो भी कल्पित है उनको गिरफ्तार करके सख्त से सख्त आजीवन कारावास का सजा देना चाहिए। क्या मांग करेंगे सर, जो भी घटना घटी क्या कहेंगे और क्या मांग है आप लोगों की? हमारी यही मांग है कि जो जो चीजें हुई है लोगों को न्याय मिलना चाहिए और आगे से इस टाइप की घटना नहीं होना चाहिए। जो एक डॉक्टर को बनाने में हमारे 15 साल लग जाते हैं और इसको इस तरह से ब्रूटली रेप्ड एंड मर्डर किया जाता है, दिस इज द ह्यूमनिटी, दिस इज द मोस्ट ऑफ द कल्प्रिट और वो कल्प्रिट को अवश्य फांसी मिलना चाहिए। आई थिंक इट्स अ वेरी हीनियस क्राइम अगेंस्ट आवर कलीग। व्हाट वी वांट इज अ फास्ट ट्रैक जजमेंट, अ डिसीजन जिससे मतलब हमारा भी मनोबल बढ़े। लाइक वी आर ऑल शैटर्ड, लाइक समथिंग लाइक दिस सो हीनियस कुड हैपन इन अ वर्क प्लेस। तो क्वेश्चन ये उठता है कि लड़कियां फिर कहाँ सेफ है, वेर आर द गर्ल्स सेफ? अपने वर्क प्लेस में अगर सेफ नहीं है तो कहाँ सेफ है? मांग कर रही है और साथ ये भी कर रही है कि जो भी दोषी है उस पर स्पीडी ट्रायल चलाकर उन्हें सजा दी जाए। कैमरामैन अमित के साथ आनंद मित्रा, न्यूज़ 18 पटना। और दानापुर में फुलवारी शरीफ के महावीर कैंसर संस्थान के निदेशक और अधीक्षक के नेतृत्व में डॉक्टर हड़ताल पर चले गए। डॉक्टरों ने सड़क पर उतरकर डॉक्टर की हत्या पर नाराजगी जताई और आरोपी को पकड़े जाने तक विरोध जारी रखने का ऐलान किया। वहाँ की सरकार हथियारों के साथ है, इसके लिए हम लोग विरोध कर रहे हैं। जो इसको न्याय मिलना चाहिए उसका जो मेन जो हत्यारा है उसको अविलंब पकड़ा जाए। इसलिए महावीर कैंसर के संस्थान के सारे चिकित्सक और गैर चिकित्सक जितने भी कर्मी हैं सारे लोग आज इस पर सहमत हैं और हम लोग पूरे देश के डॉक्टरों के साथ हैं। और कोलकाता में महिला डॉक्टर के साथ रेप और हत्या के बाद देश भर के चिकित्सकों में आक्रोश है। पटना के पीएमसीएच में डॉक्टरों ने जोरदार प्रदर्शन किया। चिकित्सकों ने मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की मांग की। डॉक्टरों से बात की हमारे संवाददाता धर्मेंद्र कुमार ने। कोलकाता की घटना ने पूरे देश में आक्रोश भर दिया है। लगातार चिकित्सक सड़कों पर हैं और ये नजारा राजधानी के और कहें तो राज्य के सबसे बड़े अस्पताल का लगातार सड़कों पर है और सिर्फ न्याय की गुहार लगाने के लिए सड़कों पर है। जिस तरह से घटना घटी वो घटना किसी भी रूप में विभत्स थी और उस घटना का विरोध है। लगातार जो डॉक्टर है वो अपने प्रोटेक्शन एक्ट की मांग को लेकर लगातार प्रदर्शन करने के लिए सड़कों पर जुटे हुए हैं और ये पीएमसीएच है जो डॉक्टर हैं वो लगातार यहाँ पर प्रोटेस्ट के लिए जुटे हुए हैं। लगातार प्रदर्शन, बड़ी घटना, क्या कहना चाहेंगे? ये बहुत ही दुखद घटना है और इसकी जितनी भी निंदा और भर्त्सना की जाए उतनी कम है। वहाँ की जो सरकार है वो इस चीज़ पे जांच करने के बजाय खुद प्रोटेस्ट में चली जाती हैं। वो किसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रही हैं, किसको बचा रही हैं, किस राजनीति के बेटे को, किस अधिकारी के बेटे को बचा रही है, ये समझ में नहीं आ रहा है। ये एक षड्यंत्र नजर आ रहा है। हम पश्चिम बंगाल सरकार से साथ साथ भारत सरकार से भी मांग करते हैं कि वो महिलाओं में सुरक्षा का एक जो अभाव आ गया है देश में उसको पूरा करें। हाँ देखिए, अभी तक कोई आगे आया नहीं कौन कल्पित है कौन नहीं। ऑब्वियसली ये गैंग रेप था, एक ही को आप गिरफ्तार किए, इतना लेट हो रहा है। एक बेसिक नीड था कि हमारे वर्क प्लेस पे हमारी सेफ्टी होनी चाहिए। हम लोग अगर काम कर रहे हैं और वहीं पे ऐसा हो रहा है तो फिर कोई क्यों ही काम करेगा? तो सेफ्टी होनी चाहिए और यही मांग है। सिर्फ जो पीड़िता को न्याय तब मिलेगा जब तक कि प्रोटेक्शन एक्ट नहीं होगा। जो अस्पतालों में डॉक्टर रहेंगे जब तक उनकी सुरक्षा नहीं हो पाएगी तब तक वो डॉक्टर काम नहीं कर पाएंगे। वो डॉक्टर मरीजों की जान बचाने के लिए आते हैं, अगर उनके जान की सेफ्टी नहीं हो पाएगी तो फिर वो डॉक्टर काम नहीं कर पाएंगे। और लगातार आप देख रहे हैं कि जो चिकित्सक है वो लगातार प्रोटेक्शन में है। कहीं ना कहीं सरकार के खिलाफ नाराजगी है और अपनी नाराजगी को लोगों के सामने रख दे रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए पटना से धर्मेंद्र कुमार। और पटना सिटी के एनएमसीएच में जूनियर डॉक्टरों ने आक्रोश मार्च निकाला। आक्रोश मार्च में सीनियर डॉक्टरों ने भी सहयोग किया और कोलकाता में महिला डॉक्टर से रेप और हत्या की घटना की निंदा की। डॉक्टरों ने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। सीनियर डॉक्टरों ने सरकार से सुरक्षा की मांग करते हुए जूनियर डॉक्टरों से इमरजेंसी सेवा चालू करने की अपील की। इसके अगेंस्ट में कि हर
हर चिकित्सक को अपने वर्क प्लेस पे पैन ओवर इंडिया सबको सुरक्षा मिलनी चाहिए, इसके लिए हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जिसमें कि हम लोग जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन के साथ भी अभी हमारा यहाँ IMA की तरफ से, बासा की तरफ से, ये सब हम लोग भी अपना भी सहयोग दे रहे हैं। और कोलकाता कांड के खिलाफ पटना के NMCH में जूनियर डॉक्टरों ने मेन गेट पर तालाबंदी कर दी, ऐसे में मरीज और उनके परिजनों की अस्पताल में एंट्री पर रोक लग गई। अस्पताल कैंपस में जहां जूनियर डॉक्टर विरोध प्रदर्शन करते हुए सुरक्षा की मांग कर रहे हैं, वहीं गेट के बाहर जमा मरीज और उनके परिजन नाराज दिख रहे हैं। मरीज और उनके परिजनों ने सरकार से हस्तक्षेप करने की मांग करते हुए हड़ताल समाप्त करने की मांग की है। तो क्या करेंगे आप लोग? हम लोग इंतजार में सर, गरीब आदमी क्या करेंगे सर? गरीब आदमी कमाने खाने वाला, रिक्शा चलाने वाला है, आए लेके भागते हो ले, आए देखने वाला कोई देखने वाला नहीं। हाँ आता, कभी कभी कोई आता ना आता, तो कोई आता है। लगातार हमारी स्ट्राइक चल रही है और हमारी मांगे वही पहली जैसी हैं, पीड़िता के परिवार को न्याय, ये हमारी पहली मांग है, सही तरह से न्याय मिले, तहकीकात करके और जल्द मिले। दूसरी मांग हमारी है कि वर्क प्लेस सेफ्टी, डॉक्टर्स को सही वातावरण सुरक्षित मिले काम करने के लिए, ये सिर्फ फीमेल डॉक्टर्स के लिए नहीं, मेल डॉक्टर्स के लिए भी है। और तीसरी मांग हमारी है कि कोई सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट बनना चाहिए डॉक्टर्स के फर्दर फ्यूचर में सेफ्टी को प्रोवाइड करने के लिए। और कोलकाता कांड के विरोध में पूरे देश के डॉक्टर हड़ताल पर हैं, इसका असर आरा में भी दिख रहा है। आरा सदर अस्पताल में OPD सेवा बंद है, मरीज और उनके परिजन रजिस्ट्रेशन के लिए लाइन में तो लगे हैं लेकिन खिड़की नहीं खुली। OPD सेवा के साथ साथ कई अस्पतालों में इमरजेंसी सेवाएं भी बंद कर दी गई हैं। OPD बंद करने का सबसे ज्यादा खामियाजा मरीजों को भुगतना पड़ रहा है। सदर अस्पताल के OPD में ताला लटकने के कारण दूर दराज से आए मरीजों को बिना इलाज कराए ही लौटना पड़ रहा है। हमारे मेडिकल फ्रेटर्निटी के सारे लोग, या तो हमारी नर्सेज सिस्टर हैं या डॉक्टर्स हो या कर्मचारी हो पैरामेडिकल, हम लोग सभी डरे हुए हैं कि कैसे हम लोग, जब खुद हमारा जान असुरक्षित है तो मैं किसी और का जान कैसे सुरक्षित प्रदान। इसलिए मैं सरकार से आग्रह करता हूँ कि किसी तरह भी हम लोग को प्रोटेक्शन दें और ऐसा एक्ट पास करें कि जो इस टाइप का जो गुंडागर्दी करते हैं उनको एक सबक मिले, उनमें डर व्याप्त। और कोलकाता कांड के विरोध में गुमला में भी डॉक्टर हड़ताल पर हैं। डॉक्टरों का कहना है कि हमारी सुरक्षा पहले सुनिश्चित की जाए, तभी हम भयमुक्त होकर अपना काम कर सकेंगे। डॉक्टरों की मांग है कि सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया जाए। सदर अस्पताल में धरने पर डॉक्टरों से बात की न्यूज 18 संवाददाता रूपेश भगत ने। कोलकाता के मेडिकल कॉलेज की जो महिला ट्रेनिंग डॉक्टर थी, उसके दुष्कर्म के बाद निर्मम हत्या के विरोध में पूरे देश में जो विरोध प्रदर्शन बढ़ता जा रहा है, आपको बताते उसी के साथ आज गुमला में भी, गुमला के सदर अस्पताल में IMA के आह्वान पर देख सकते हैं आप, जिले के जितने डॉक्टर हैं व स्वास्थ्यकर्मी हैं वो आज एक दिवसीय हड़ताल पर हैं। आपको बता दें इस दौरान जो सदर अस्पताल की OPD सेवा है उसको ठप कर दी गई है, हालांकि जो इमरजेंसी सेवा है उसको सुचारू रूप से चालू रखा गया है। हमारे साथ में यहाँ पे स्वास्थ्यकर्मी व डॉक्टर हैं, उनसे जानना चाहेंगे कि क्या है। RG कार मेडिकल कॉलेज में जो PG स्टूडेंट थी उसकी नृशंस हत्या और बलात्कार अनसोशल एलिमेंट्स के द्वारा कर दिया गया, और वो जो अनसोशल एलिमेंट सो कॉल्ड हम बोल रहे हैं, वो पुलिस महकमा का एक ऐसा व्यक्ति था जो पुलिस जब अस्पताल में भर्ती होती थी तब उसके सेवा सत्कार करने के लिए वो एक प्राइवेट आदमी था। तो आप महिला डॉक्टर हैं और उनसे आप 24 घंटा ड्यूटी करा रहे हैं, और इसके लिए पूरा सेफ्टी होना चाहिए। कोई भी डॉक्टर, ट्रेनी डॉक्टर अगर है तो बाकायदा सेफ्टी के साथ काम, कोई भी आके कुछ भी कर सकता है। और हम लोग की मांग है कि हम लोग को मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट मिले ताकि हम लोग सेफ रहें। मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट की मांग कर रहे हैं जिससे वो सुरक्षित हो सके, तब जाकर के ये सुचारू रूप से काम करने की बात कर रहे हैं। रामगढ़ में कोलकाता कांड को लेकर 4 दिन से डॉक्टर हड़ताल पर हैं। सदर अस्पताल में OPD की सेवाएं बंद हैं लेकिन इमरजेंसी में मरीजों को देखा जा रहा है। सदर अस्पताल से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता जावेद खान। पूरे झारखंड के डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं। इस समय मैं मौजूद हूं रामगढ़ सदर अस्पताल में, आप देख सकते हैं लिखा हुआ है यहाँ पर आज OPD सेवा बंद है, लेकिन यहाँ इमरजेंसी पे डॉक्टर हैं और वे इमरजेंसी केसेस को देख रहे हैं। यहाँ पर
हमारे साथ एक डॉक्टर हैं, बताइए आप लोग हड़ताल पे हैं, यहाँ पर स्वास्थ्य सेवा पर क्या असर पड़ रहा है? असर तो पड़ रहा है, बहुत सारे पेशेंट हैं जिनका कंडीशन जो था स्टेबल था, उनको हम लोगों ने वापस भेज दिया कि आप सोमवार को वापस आकर के दिखाइएगा, लेकिन जितने भी इमरजेंसी वाले पेशेंट हैं सबको देख रहे हैं और जिसको लग रहा है कि भर्ती करना चाहिए उसको भर्ती भी कर रहे हैं, लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से कोई स्टेटमेंट हम लोग के फेवर में नहीं आया। ओपीडी तो बंद है यहाँ पे, ओपीडी बंद है, तो आप देख सकते हैं। क्या आपका नाम है? संजय कुमार सिंह। आप दिखाने आए यहाँ पे? हाँ, लेडीज में। अच्छा, तो क्या आपको यहाँ पर देखा जा रहा है? हाँ हाँ, केस को देखा जा रहा है आपके? हाँ सर, बहुत अच्छा देखा जा रहा है। हाँ सर, तो इमरजेंसी केसेस को यहाँ पर डॉक्टर जो है डील कर रहे हैं, लेकिन ओपीडी सेवा बंद, आप देख सकते हैं ओपीडी की तरफ से ये पूरा सन्नाटा पसरा हुआ। प्रतिदिन यहाँ पर 200 से अधिक मरीज आते थे, लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ मरीज नहीं आ रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि डॉक्टर स्ट्राइक पर हैं और स्ट्राइक आगे भी जा सकता है जब तक सरकार इनकी मांगों को नहीं मानेगी। ऐसे में कहा जा सकता है कि डॉक्टर्स की मांग भी जायज़ है, लेकिन मरीज भी जो हैं परेशान हैं, इधर उधर भटक रहे हैं, उनका इलाज नहीं हो पा रहा है। ऐसे में सरकार को बीच का रास्ता निकालने की जरूरत है। जावेद खान, न्यूज 18, रामगढ़। तो न्यूज 18 स्पेशल में फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड।